सब्सक्राइब करें मेरे चैनल माय डीआईवाई हब को और मेरे लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स के लिए इस बेल आइकन पर क्लिक करें। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय डीआईवाई हब। आज के इस वीडियो में मैं कुछ समर स्किन केयर टिप्स शेयर करने वाली हूँ आपके साथ। ऑल्सो मैं आपके साथ कुछ अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स शेयर करूंगी स्किन केयर के, जो गर्मियों के टाइम काफी यूजफुल रहेगा। फर्स्ट ऑफ मैं कुछ अफोर्डेबल स्किन केयर प्रोडक्ट्स जो समर्स में बहुत यूजफुल है वो सब शेयर करूंगी। ये प्रोडक्ट्स अफोर्डेबल होने के साथ साथ बहुत इजीली अवेलेबल भी। सबसे पहले मैं फेशियल क्लेंजर्स के बारे में बताऊंगी आपको, जो मुझे यूज करना बहुत पसंद है। ये ब्लैक वाला पॉन्ड्स का प्योर व्हाइट फोमिंग फेस वॉश है, जो जिसमें एक्टिवेटेड कार्बन होता है और ये आपके फेस को डीप क्लेंज करता है और पूरे दिन के पोल्यूशन के बाद जो आपके चेहरे पे डर्ट और इम्प्यूरिटीज सेटल होते हैं वो इस फेस वॉश के इस्तेमाल से एकदम जड़ से निकल जाते हैं, क्योंकि ये डीप पोर क्लेंजर है। ये वाला पैक का वेट है अबाउट 50 ग्राम्स का और इसका प्राइस है 104 रुपीज। मेरा नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है ये समर्स में यूज करने के लिए मेरा एब्सोल्यूट फेवरेट है। ये है लैक्मे सन एक्सपर्ट का स्किन लाइटनिंग प्लस डी टाइम फेस वॉश। ये बहुत ही अच्छा है गाइस, ट्रस्ट मी। ये आप जैसे बाहर से कहीं घूम के आते हो और आपकी आपको लग रही है स्किन काली पड़ गई है, तो तुरंत आप अपना फेस वापस आके इससे वॉश करें। इससे आपका स्किन सन डैमेज से तो सेफ हो गई, साथ ही साथ ये आपके फेस को एक कूलिंग इफेक्ट पहुंचाता है, क्योंकि इसमें क्यूकम्बर और लेमन ग्रास एक्सट्रैक्ट होते हैं। ये जो मैं पैक लाई हूँ ये 30 ml का है और इट रिटेल्स फॉर अबाउट 55 Indian rupees। मेरा जो नेक्स्ट फेवरेट प्रोडक्ट फॉर समर्स है वो है पॉन्ड्स व्हाइट ब्यूटी का टैन रिमूवल स्क्रब। ये एक डेली स्क्रब है जो कि बहुत जेंटल होता है आपके फेस पे, तो आप इसे डेली यूज कर सकते हो, क्योंकि इसके बीट्स जो होते हैं वो बहुत जेंटल होते हैं तो स्किन पे ज्यादा हार्श नहीं होता है, इसी वजह से आप इसे डेली यूज कर सकते हो। ये टैन रिमूवल में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है, तो इनकेस आप बहुत लेजी है कोई होम रेमेडी यूज करने के लिए तो आप ये वाला स्क्रब खरीद के डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। अगेन ये सारे स्किन टाइप्स के लिए सूटेबल है और इसका इस पैक का वेट है अगेन 50 ग्राम्स और इसका प्राइस अराउंड 110 रुपये है। और जो भी प्रोडक्ट्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सारे प्रोडक्ट्स की परचेज लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर डाल दूंगी, आप प्लीज़ चेक करिएगा। समर्स में हमारा स्किन बहुत ऑयली हो जाता है, तो फिर आप क्या करेंगे सीबम प्रोडक्शन को रिड्यूस करने के लिए, तो मैं आपके लिए सबसे अफोर्डेबल प्रोडक्ट लेके आई हूँ। ये है आयुर का हर्बल एस्ट्रिंजेंट, जो मैं काफ़ी सालों से यूज़ करती थी बट अभी रिसेंटली बंद किया था क्योंकि मुझे मिल नहीं रही थी। अगेन मैंने बहुत खोजा इसे तो मुझे मिल गई और ये आपके स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है, खासकर समर्स में, क्योंकि इसमें एलोवेरा के साथ साथ कपूर का एक्सट्रैक्ट होता है और मिंट यानी पुदीने का एक्सट्रैक्ट, जो आपके स्किन को एक कूलिंग इफेक्ट पहुंचाएगा। और ये बेसिकली एक टोनर है, तो क्लेंजिंग के बाद आप मॉइस्चराइज करने से पहले अगर अपने फेस को टोन करेंगे आपका फेस फ्रेश और ब्राइट तो फील होगा ही, साथ ही साथ आपके जो ओपन पोर्स है वो क्लोज हो जाएंगे। 100 ml का पैक है ये और इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा कम है, जस्ट 50 Indian rupees। इसको यूज़ करने का तरीका भी इजी है, कॉटन बॉल पे थोड़ा सा एस्ट्रिंजेंट ले और उसे डैब करें चेहरे पे, फिर सुखा ले पूरी तरह से। चेहरे के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है समर्स में हाथों और पैरों का भी ध्यान रखना, क्योंकि वो भी एक्सपोज रहते हैं। तो ये मैं जॉय का हनी एंड आलमंड्स बॉडी लोशन दिखा रही हूँ यहाँ पे, जो कि 196 Indian rupees में आता है इसका बड़ा बॉटल। इसमें वीट जर्म ऑयल यानी गेहूं का तेल होता है, जो कि एक नेचुरल सनस्क्रीन है, अराउंड SPF 20 होता है उसमें, तो ये काफ़ी अच्छा है।
बट आपके पास एक और ऑप्शन है लोटस का बॉडी लोशन यूज करना, जो कि अगेन काफी अफोर्डेबल है, तो मेरा रिकमेंडेशन वो भी रहे। और दोनों प्रोडक्ट्स के प्राइसेस में इतना डिफरेंस नहीं है। अगर आप लोअर साइड पे जाना चाहते हैं तो जॉयका हनी और आलमंड्स ले लें, जो कि बहुत बेहतरीन है। एंड इफ यू डोंट माइंड स्पेंडिंग अ फ्यू बक्स मोर, तो जरूर आप लोटस का बॉडी सनस्क्रीन खरीदें। मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट है एक एंटी टैन ब्लीच। जैसे आप ऑक्सी ब्लीच वगैरह यूज करते हो तो टैन रिमूवल के लिए ब्लीच है स्पेशली, और आई डोंट थिंक ये ऑनलाइन मिलेगा, तो आप इसे लोकल स्टोर्स में खोजे, इंडियन लोकल स्टोर्स में आई थिंक ये बहुत इजीली मिल जाएगा। इस ब्लीच को लगाने का तरीका बिल्कुल यूजुअल है, जैसे आपको एक लेयर ब्लीच की लगानी है अपने फेस पे, अपने आईब्रोज और आई लैशेज को अवॉइड करके, और 10 से 15 मिनट रहने दें इसे, फिर पानी से धो लें मसाज करते हुए। वीक में 2 से 3 बार यूज करेंगे तो आपकी टैनिंग आपको कम होते हुए नजर आएगी और आपकी ओरिजिनल स्किन टोन मेंटेन होगी। इस ब्रांड का नाम है ऑक्सी ग्लो फ्रॉम नेचर्स केयर, और ये ब्लीच मिल्क एंड हनी से बना हुआ है। इसकी प्राइस है लगभग 90 इंडियन रुपीस, और इसका टेक्सचर बिल्कुल इस तरह का होगा जैसे आपको दिख रहा है। अब हम आते हैं समर्स के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है उस पे, एक फेस सनस्क्रीन है, ये लोटस कंपनी का है, और जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है यूवी स्क्रीन मैट जेल। जी हाँ, मोस्ट ऑफ द सनस्क्रीन जो बाजार में आजकल मिलते हैं वो सारे क्रीम बेस्ड होते हैं, और जब आप उन प्रोडक्ट्स को अप्लाई करेंगे तो आपके फेस पे एक वाइट कास्ट छूट जाएगी, जैसे तब लगता है जब आपके स्किन टोन से बिना मैचिंग किए हुए आप फाउंडेशन खरीदते हैं, उस टाइप का फिनिश आ जाता है वैसे इसका सनस्क्रीन पे। पर अब मैं आपको इसे थोड़ा सा यूज करके दिखाऊंगी। ये जेल बेस्ड है, वाइट कलर की जेल आती है, और मसाज जैसे ही मैं इसे करूंगी तो ये पूरी तरह से स्किन में अब्सॉर्ब हो जाता है। इसकी फिनिश इतनी अच्छी और स्मूथ है, और स्किन में पूरी तरह से अब्सॉर्ब होने की कैपेसिटी है इसमें। इसका मेन रीजन यही है कि वो जेल बेस्ड है, और वाइट कास्ट तो बिल्कुल भी नहीं छूटेगा आपके स्किन पे। अच्छा, इसकी और भी कई अच्छी बातें, जैसे ये PA++++ है जो कि एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन है, प्लस ये SPF 50 है इसमें, तो जितनी ज्यादा SPF उतनी ज्यादा प्रोटेक्शन। हाँ, इसकी प्राइस थोड़ी ज्यादा है, 100 ग्राम का पैक अराउंड 395 रुपीज का है, तो आप चाहे तो इसकी छोटी पैक ले सकते हैं जिसकी प्राइस इससे आधा ही होगी। ऑब्वियसली इसमें लिखा हुआ है कि ये नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए सूटेबल है, मेरी स्किन कॉम्बिनेशन है फिर भी मैं इसे यूज कर लेती हूँ। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप अपनी जो रेगुलर मॉइस्चराइजर है वो यूज करें और उसके ऊपर ये सनस्क्रीन लगाएं, तो कोई इतना आपको इशू नहीं होगा, क्योंकि जेल बेस्ड सनस्क्रीन ही यूज करना बेस्ट है। मैं इसके बाद आपको एक और ऑप्शन बताऊंगी सनस्क्रीन के लिए। मैं इसके साथ ही आपको एक और अफोर्डेबल सनस्क्रीन के बारे में बताऊंगी जो कि बेहद अफोर्डेबल है। मार्केट में 100 रुपीज का सनस्क्रीन इसके अलावा आई डोंट थिंक सो और मिलेगा। जी हाँ, ये पतंजलि का सनस्क्रीन है जो कि दावा करता है कि नेचुरल प्रोडक्ट है, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इसका प्राइस कम है तो ये अच्छा नहीं है। इसका भी वही फॉर्मूला है कि ये बिल्कुल वाइट कास्ट नहीं छोड़ता है। ये क्रीम बेस्ड सनस्क्रीन है लेकिन वाइट कास्ट तो एकदम भी नहीं छोड़ता, विच वॉज अनबिलीवेबल फॉर मी। इसे खरीदने से पहले जब भी मैं इसके रिव्यूज वगैरह देखती थी मुझे अच्छा नहीं लगता था देख के, बट खरीदने के बाद सच में मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ इस प्रोडक्ट से। अब बात कर लेते हैं टैल्क और पाउडर्स की। समर्स में यूज करने के लिए ये शायद अब तक का बेस्ट पाउडर है, और ये बहुत ही ज्यादा इजीली अवेलेबल है। सैंडल एक बहुत ही अच्छा इंग्रेडिएंट है समर्स में यूज करने के लिए, आपके स्किन को सूट करता है और कूलिंग इफेक्ट पहुंचाता है, तो ये पाउडर आपको यूज करना ही चाहिए बिल्कुल समर्स में। इसमें नेचुरल सनस्क्रीन भी है, प्लस इसमें जिंक ऑक्साइड है, जैसे आप देख सकते हैं उसमें इंग्रेडिएंट्स में लिस्टेड है, तो जिंक ऑक्साइड एक नेचुरल SPF इंग्रेडिएंट है जो कि इस पाउडर में मौजूद है,
तो आपको जरूर ये यूज करना चाहिए इंस्टेड ऑफ अदर पाउडर्स ड्यूरिंग समर्स। मेरा नेक्स्ट पाउडर ऑप्शन है लैक्मे का रोज पाउडर। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें सनस्क्रीन है, ये ऑलरेडी मेंशन है इसके कैप पे। और ये अगर आप मेकअप करना पसंद करते हैं समर्स में, तो आपको इस टाइप का सनस्क्रीन बेस्ड पाउडर ही यूज करना चाहिए। हैवी मेकअप अवॉइड करें। कोई बीबी क्रीम लगा रहे हैं तो उसके ऊपर आप ऐसा कोई सनस्क्रीन बेस्ड पाउडर ही लगाएं। ये पाउडर लूज पाउडर है और 40 ग्राम का पैक रिटेल्स फॉर अबाउट ₹150। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि समर्स में हैवी मेकअप अवॉइड करें, फिर भी अगर आपको बेस मेकअप करना है तो यूज समथिंग लाइक दिस, जैसे बीबी क्रीम्स, ये सब बहुत लाइट होता है, या फिर कोई सूफले या मूज। लैक्मे ब्रांड में ऐसे काफी सारे लाइट वेट फाउंडेशन अवेलेबल होते हैं लाइक मूजेस एंड सूफलेस, जो कि आपको लाइट फील कराते हैं इंस्टेड ऑफ गेटिंग दैट हैवी फील। फाइनली हम अपने लास्ट स्किन केयर प्रोडक्ट तक पहुंच चुके हैं। जी हाँ, लिप्स का ध्यान रखना भी बहुत ही जरूरी है समर्स में, तो आप ध्यान रखें कि कोई SPF बेस्ड लिप बाम ही यूज करें, क्योंकि लिप्स भी काले पड़ सकते हैं टैनिंग की वजह से, क्योंकि वो भी एक्सपोज रहते हैं। तो यहाँ मैं मेबलिन का बेबी लिप बाम आपको दिखा रही हूँ जिसमें SPF 20 होता है। मेबलिन का बेबी लिप्स का और एक भी आता है जिसमें SPF 13 होता है, लेकिन मैं ये वाला प्रेफर करती हूँ ऑब्वियसली, क्योंकि इसमें ज्यादा SPF है। इस प्रोडक्ट की नेट कंटेंट है अबाउट 4 ग्राम्स और इसकी रिटेल प्राइस है 175 इंडियन रुपीस। आज के वीडियो में दिखाए गए सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स की परचेज लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। उसके साथ ही मैं कुछ और स्किन केयर प्रोडक्ट्स की लिंक्स भी डालूंगी जो मेरे पास यहाँ नहीं थे, बट मैं उन्हें हाईली रिकमेंड करती हूँ। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें और मुझे नीचे कमेंट्स में लिखिए अगर आपको कुछ भी पूछना हो। इन प्रोडक्ट्स को यूज करने के अलावा भी आपको अपने स्किन का ध्यान खुद ही रखना पड़ेगा, तो समर स्किन केयर टिप्स का भी वीडियो मैं जल्दी लाऊंगी। आई होप मेरा वीडियो आपको यूजफुल लगा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बाय गाइज।